नमस्कार, मैं प्रज्ञा धाधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से दूसरे चरण में चयनित शिक्षकों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही पहले चरण के पूरक रिजल्ट में सफल 2772 शिक्षकों को भी स्कूल आवंटित किया जाएगा। जिलों से प्राप्त सूची के आधार पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से विभाग शिक्षकों को स्कूल आवंटित करेगा। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने रविवार को कहा कि भारतीय सेना अपनी सीमाओं पर पूरी तरह से मुस्तैद है और हर कीमत पर देश की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए तैयार है। सेना दिवस की पूर्व संध्या पर उन्होंने कहा कि भारतीय सेना किसी भी सुरक्षा खतरा का मुकाबला करने के लिए अटूट संकल्प और प्रतिबद्धता के साथ तैयार है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 11वीं में नामांकन लेने वाले छात्रों के लिए पंजीयन की तिथि बढ़ा दी है। ओएफएसएस से सत्र 2023-25 में नामांकन लेने वाले छात्र विलंब शुल्क के साथ 22 जनवरी तक पंजीयन करवा सकते हैं। इससे पहले पंजीयन तिथि 13 जनवरी तक थी। प्लस टू विद्यालयों व महाविद्यालयों के प्रधान http://seniorsecondary.biharboardonline.com पर जाकर पंजीयन फॉर्म अलग अलग प्रति में डाउनलोड कर छात्रों को उपलब्ध कराएंगे। मालदीव से भारत का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी पर मालदीव के मंत्रियों की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद एक ओर जहां भारतीय मालदीव का बायकॉट कर रहे हैं, तो वहीं मालदीव भी अब आंखें दिखा रहा है। इस बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारत सरकार को मालदीव की चीन से निकटता के बारे में सतर्क रहने की हिदायत दी है। शशि थरूर ने तुगलक पत्रिका के 54वें वार्षिक दिवस समारोह में बोलते हुए कहा कि चीन भारत की सीमा पर अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। थरूर ने कहा कि हमें मालदीव सरकार की चीन के साथ बढ़ती निकटता पर बहुत ध्यान से नजर रखनी होगी। बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोहरे और हिमालय से चल रही ठंडी हवा ने कनकनी बढ़ा दी है। राज्य के अधिकतर जिलों का न्यूनतम तापमान गिरकर 10 डिग्री के नीचे आ गया है। मौसम विभाग ने 8-9 जिलों में कोल्ड डे और अन्य जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। 15 जनवरी को भी राज्य के कई जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बनी रही। भारतीय महिला हॉकी टीम को यहां झारखंड स्थित रांची के माडंग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में शनिवार से शुरू हुए FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर 2024 के अपने पहले मैच में अमेरिका के खिलाफ 0-1 से हार का सामना करना पड़ा। दोनों टीमों ने मुकाबले की शुरुआत तेज तर्रार और आक्रामक अंदाज में किया। भारत ने जहां घरेलू दर्शकों के सामने सर्कल में कुछ शुरुआती आक्रमण किए और गेंद को अपने कब्जे में रखा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने रविवार को मैट्रिक परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा है कि किसी भी विद्यालय के प्रधान परीक्षा केंद्राधीक्षक जारी किए गए एडमिट कार्ड में किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते। अगर एडमिट कार्ड में किसी प्रकार का संशोधन होता है तो ऐसे विद्यालय के प्राचार्य पर कार्रवाई की जाएगी। डाउनलोड एडमिट कार्ड पर विद्यालय के प्रधान हस्ताक्षर और मुहर लगाकर परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड देंगे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने अब फिर से प्रतिक्रिया दी है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को अशास्त्रीय बताने वाले शंकराचार्य ने कहा है कि हमारी आलोचना करने वालों द्वारा हमें कांग्रेसी कहना एक कमजोरी की निशानी है। पीएम मोदी का विरोधी वो है जो उन्हें गलत कामों को करने से नहीं रोकते हैं, क्योंकि गलत काम से ही पतन होता है। बिहार लोक सेवा आयोग ने ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए वैकेंसी निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बीपीएससी की इस वैकेंसी में भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 28 जनवरी 2024 निर्धारित की गई है। इस भर्ती के तहत कुल 1051 पदों को भरा जाएगा। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। मां पर कई रचनाएं लिखने वाले मशहूर शायर मुनव्वर राणा का रविवार देर रात दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 71 साल के थे। वह पिछले कई दिनों से लखनऊ के PGI में भर्ती थे। उन्हें किडनी व हृदय रोग से संबंधित समस्या थी। राणा देश के लोकप्रिय शायरों में से एक थे जो हिंदी और उर्दू दोनों में लिखते थे। अपने पसंदीदा शायर के यूं अचानक चले जाने से सभी अचंभित हैं। अखिलेश यादव से लेकर इमरान प्रतापगढ़ी तक सभी ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। देश में जल्दी टोल कलेक्शन का तरीका बदलने वाला है। अब से कुछ समय बाद फास्टैग की बजाय आपकी गाड़ियों से GPS के जरिए टोल कट जाएगा और गाड़ियां फराटे भरते हुए बिना रुके अपना सफर पूरा कर सकेंगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लगभग 3 हफ्ते पहले कहा था कि देश में GPS से टोल कलेक्शन की शुरुआत मार्च 2024 से शुरू हो सकती है। सरकार के निर्देश के बाद गूगल ने भी भारत में संचालित विदेश क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के मोबाइल ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया है। इनमें बाइनेंस, कुकॉइन और OKX जैसी कंपनियों के ऐप्स शामिल है। इसके साथ ही सरकार ने इनके वेब URL को भी प्रतिबंधित कर दिया है। भारतीय निवेशक विदेशी क्रिप्टो वॉलेट्स के वेब प्लेटफॉर्म को भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। केंद्र सरकार की रियायती योजना के तहत आटे की उपलब्धता आने वाले दिनों में तेज होने वाली है। इसके लिए केंद्रीय एजेंसियों को जल्द ही 3 लाख टन गेहूं का आवंटन होने वाला है। भारत आटे के लिए गेहूं FCI के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। केंद्र सरकार ने आसमान छूती महंगाई के कारण लोगों को राहत देने के लिए भारत आटा स्कीम की शुरुआत की थी। भारत आटा ब्रांड के तहत सरकारी एजेंसियां आम लोगों को रियायती भाव पर आटा उपलब्ध कराती है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित वैष्णो देवी मंदिर के गर्भगृह तक जाने वाले पुराने और प्राकृतिक गुफा मार्ग को रविवार को फिर से खोल दिया गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित मंदिर की यात्रा के लिए इस प्राकृतिक मार्ग को आमतौर पर साल के समय में फिर से खोल दिया जाता है। उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की कम संख्या को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है।
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन INSAT 3DS सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इन सैटेलाइट्स को जियो सिक्रोन्स लॉन्च व्हीकल जैसे सबसे एडवांस्ड रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। इसरो के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि सैटेलाइट्स को फरवरी के पहले हफ्ते में लॉन्च किया जाएगा। 2024 के पहले दो हफ्ते में ही इसरो एक मिशन में कामयाबी हासिल कर चुका है और दूसरे मिशन की तैयारी की जा रही है। मोबाइल यूजर्स के बिल में इजाफा हो सकता है। इस साल होने जा रहे आम चुनावों के बाद भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियां मोबाइल दरों में 20% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। टेलीकॉम कंपनियां प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों तरह के प्लान में बढ़ोतरी कर सकती है। ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज की हालिया रिपोर्ट में यह बात कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि टेलीकॉम क्षेत्र अपनी स्थिति सुधारने पर खासा जोर दे रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अर्जेंटीना के मुद्रा पेसो का अवमूल्यन कर दिया गया है। राष्ट्रपति जेवियर मिलई की नई सरकार ने पेसो का मूल्य आधा कर दिया है। इसके चलते महंगाई में तेजी से उछाल आया है और यह 2023 में 211% के आंकड़ों को पार कर गई। सरकारी सांख्यिकीय एजेंसी INDEC के मुताबिक देश में महंगाई 3 दशक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। भारत के स्टार बल्लेबाज शिवम दुबे की अक्सर युवराज सिंह से तुलना होती रहती है। रविवार को उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए दूसरे T20 इंटरनेशनल में तूफानी बल्लेबाजी कर एक बार फिर युवी की याद दिला दी। युवराज की तरह खबू बल्लेबाज ने 32 गेंदों में नाबाद 63 रन जड़कर अपनी टीम को जीत दिलाई। इस दौरान उन्होंने 5 चौके 4 छक्के ठोकर 196.88 की स्ट्राइक रेट से रन जड़े। इस तूफानी पारी के साथ ही शिवम दुबे युवराज सिंह वाली एलिट लिस्ट में शामिल हो गए हैं। भारत और नेपाल के अधिकारियों ने आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों देशों ने सीमा पार निर्बाध संपर्क सुविधा और मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय पहल लागू करने की प्रतिबद्धता जताई। भारत नेपाल का प्रमुख व्यापार व निवेश भागीदार है। व्यापार पारगमन व सहयोग संबंधी भारत नेपाल अंतर सरकारी उप समिति की 12 से 13 जनवरी तक काठमांडू में हुई बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने औषधीय व आयुर्वेदिक उत्पादों के लिए पारस्परिक बाजार पहुँच पर भी चर्चा की। अगर आप नौकरी पेशा हैं व आपका वेतन कर के दायरे में आता है तो निवेश संबंधी दस्तावेज 31 मार्च 2024 से पहले कंपनियों के पास जमा कर दे। दस्तावेज नहीं देने पर आपको ज्यादा TDS का भुगतान करना पड़ेगा। इसका असर आपके हाथ में आने वाले वेतन पर पड़ेगा। अगर तय अवधि से पहले अपने कर स्लैब के मुताबिक किसी भी तरह का निवेश करते हैं तो आप इसकी जानकारी बाद में ITR दाखिल करते समय देकर रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों का ब्यौरा दिया। मंत्रालय ने कहा कि 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड का आंकड़ा पार कर लिया गया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर 12 जनवरी 2024 तक के आंकड़ों का जिक्र करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पिछले 2 वर्षों को भीतर 1 मिनट के भीतर 181 परिवारों का आयुष्मान भारत योजना के तहत पंजीकरण किया गया। देश में जितना भी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है उसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह कृषि है। हालांकि 2016 से 2019 तक कुल उत्सर्जन में कृषि की हिस्सेदारी 14.4 से घटकर 13.4% हो गई है। फिर भी इस क्षेत्र से होने वाला उत्सर्जन 3.2% बढ़ गया है। कृषि के कारण कुल उत्सर्जन 4.5% बढ़कर 2019 में 2647 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड हो गया जबकि 2016 में यह 2531 मेट्रिक टन था। टीबी मुक्त भारत के लिए देश में पहला वयस्क BCG टीकाकरण शुरू हुआ। पहली खुराक गोवा के एक स्वास्थ्य केंद्र पर दी गई है। देश के सभी जिलों में वयस्क आबादी को टीबी संक्रमण से बचाने के लिए टीका दिया जाएगा और साथ में प्रतिकूल प्रभावों को लेकर अध्ययन भी किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रीय टीकाकरण में BCG को शामिल किया जा सकता है। भारत और मालदीव के रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। चीन का 5 दिवसीय यात्रा से लौटने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मिजू के भारत विरोधी तेवर और तल्ख हो गए हैं। इस बीच माले में भारतीय उच्चायुक्त के अधिकारियों ने रविवार को मालदीव के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की। मालदीव के विदेश मंत्रालय के मुताबिक मालदीव से भारतीय सैन्य कर्मियों की तेजी से वापसी पर दोनों देश के बीच सहमति बनी है। दरअसल माले में मालदीव और भारत के बीच उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की पहली बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम जनमन योजना के तहत पीएम आवास योजना ग्रामीण के 1 लाख अभ्यर्थियों को पहले किस्त जारी की। पीएम ने इस दौरान योजना के लाभार्थियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए शुरू किया गया है। इसका लाभ देश के 18 राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों में रहने वाले 75 आदिवासी समुदाय और आदिम जनजातियों को मिलेगा। WEF की वार्षिक बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे उद्योगपति नादिर गोदरेज ने कहा कि भारत में विनिर्माण स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्र कृत्रिम मेधा के सही इस्तेमाल से नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। भारत अपने नेट जीरो लक्ष्य को समय सीमा से पहले हासिल कर सकता है क्योंकि देश जलवायु संबंधी मामलों पर सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। नेट जीरो का अर्थ है कि कोई देश वातावरण में कार्बन आधारित ग्रीन हाउस गैसों का जितना उत्सर्जन कर रहा है उतना ही उसे सोख तथा हटा भी रहा है, यानी उसकी तरफ से वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का पायदान न के बराबर हो। खरमास बीतते ही मकर संक्रांति के दिन सोने चांदी की कीमतों में तेजी आ गई है। सराफा बाजारों में अब 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड 208 रुपये महंगा होकर 62,723 रुपये पर खुला, जबकि चांदी का भाव अब 616 रुपये प्रति किलो उछलकर 72,146 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया है। सोना अपने 4 दिसंबर 2023 के ऑल टाइम हाई 63,805 रुपये से केवल 1,082 रुपये सस्ता है।
थोक मुद्रास्फीति दिसंबर में बढ़कर 0.73% हो गई। खाद्य पदार्थों खासकर सब्जियों तथा दालों की कीमतों में तेज उछाल से इसमें बढ़ोतरी हुई है। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति अप्रैल से अक्टूबर तक लगातार 0 से नीचे बनी हुई थी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी एक बयान के अनुसार वस्तुओं मशीनरी तथा उपकरण विनिर्माण परिवहन अन्य उपकरण तथा कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक तथा ऑप्टिकल उत्पादों आदि की कीमतों में वृद्धि दिसंबर 2023 में थोक मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी का कारण रही। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के दिसंबर 2023 सत्र के नतीजों की घोषणा की जल्दी कर दी जाएगी। एजेंसी द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार परीक्षा परिणाम 17 जनवरी 2024 को घोषित किए जाएंगे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट UGCNET.NTA.AC.IN पर एक्टिव किए जाने वाले लिंक से देख सकेंगे। NTA ने UGC नेट दिसंबर 2023 का आयोजन 6 से 19 दिसंबर 2023 तक किया था। भारत और मालदीव के बीच तनाव जारी है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने तनाव पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती है कि हर देश हर समय भारत का समर्थन करेगा या उससे सहमत होगा। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने आगे कहा, हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं और पिछले 10 सालों में बहुत सफलता के साथ एक बहुत मजबूत संबंध बनाना है। जयशंकर ने राजनीतिक संबंधों में उतार चढ़ाव के बावजूद लोगों के बीच सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए वैश्विक स्तर पर मजबूत संबंध बनाने के लिए पिछले एक दशक में भारत के प्रयासों पर प्रकाश डाला। हमारे तरफ पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे तरफ पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मुकेश कुमार, मोहम्मद शकीर हुसैन, धनंजय कुमार, रविशंकर, बाबूलाल मरांडी, जितेंद्र ठाकुर, अनवर करीम खान, नौशद राजा। आप बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपने आज मकर संक्रांति के अवसर पर क्या क्या किया? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।